आज का कार्यक्रम जो नीति आयोग का समर्थन से आयोजित किया है और जो देश में 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छा काम करने वाले 5 क्षेत्रों में उनको चयन करके उनका पुरस्कार देने का कार्यक्रम, ये सचमुच में बहुत अभिनंदनीय कार्यक्रम है। इसलिए मैं मन में भी प्रसन्न हूँ। बिकॉज वाई फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन इज टू गिव इंस्पिरेशन टू अदर्स, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम। इफ यू परफॉर्म वेल, इफ यू डू गुड वर्क, देन यू विल बी रिकग्नाइज, यू विल बी रेस्पेक्टेड। दैट इज द मैसेज ऑफ दिस फंक्शन। दैट्स वाई व्हेन दिस वॉज ब्रॉट टू माई नोटिस, आई हैव अग्रीड टू कम हियर टूडे टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन। डॉक्टर सारांश जैन, चैंपियंस ऑफ चेंज में आप बात करेंगे डॉक्टर सारांश से, और स्वागत है सर आपका और बधाई आपको चैंपियंस ऑफ चेंज बनने के लिए और अवार्ड के लिए। फीलिंग्स क्या है सर? रियली फीलिंग ग्रेट, एंड दिस अवार्ड विल गिव मोर एंथुसियाज्म एंड कैलिबर टू वर्क इन माय रिस्पेक्टिव फील्ड। You are doing in healthcare. Yeah. Your work is healthcare. But healthcare, because it's such a huge sector, or much needed for everyone, infant से लेकर और बुजुर्ग तक, और बीच में अगर illness है तब और ज़्यादा much required also. What is the main purpose of your idea? कि आप change किस तरीके से लाना चाहते हैं? बिकॉज देखिए, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। हेल्थ केयर हम कंपैरिजन अगर करते हैं तो हमको कहा जाता है कि फॉरेन में एवरीथिंग इज़ फॉर फ्री लाइक, लेकिन हमारे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। सो जो वीकर सेक्शन है, वो जो क्लास है, जो कि राइट तो है उसका हेल्थ, लेकिन वो वहाँ तक जा नहीं पाता है। सो आपका आइडिया क्या है इस सबके ऊपर? देखिए, मेरा आइडिया है कि हेल्थ के ऊपर हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक देखिए बहुत ही पुरानी कहावत है कि अज्ञानता के अभाव में बढ़ते हैं रोग, समझ लें। तो हर एक व्यक्ति को हेल्थ के मामले में एजुकेट होना चाहिए, उसको राइट एजुकेशन होनी चाहिए, और ये हम्बल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम ही सभी डॉक्टर्स की कि हम विलेजेस में और जहाँ पे एजुकेशन का अभाव है वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करें, सो डैट एवरी पर्सन शुड गेट द राइट एजुकेशन एंड ही शुड अप्रोच अ राइट पाथ। कई बार लोगों को जिस एजुकेशन की आपने बात की वो भी नहीं पता होता है कि आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या स्कीम्स आपके लिए हैं। वो कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं सोसाइटी के लिए कि पीपल आर नॉट इवन अवेयर? अब देखिए, ये तो हमारी गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक कॉमन व्यक्ति तक उनकी स्कीम्स, जो भी सर्विसेज हैं, ये उन तक पहुँचें किसी भी माध्यम से। आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं, है ना। मैं ऑनलाइन को तो खैर विलेजेस में उतना वो नहीं है, बट हर शहर में हर एक चीज़ को प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे, है ना। और बात बाकी ये है कि देखिए, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, अ हेल्दी माइंड लेट्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें ताकि आप जिस भी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, आप और गर्मजोशी से उस चीज़ को अचीव करें।